इकोनॉमिक डिवेलमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर टू जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर की तो वहां पे देर आर टू टाइप्स ऑफ दबसिस्टेंट सेक्टर एक को हमने कहा सेक्टर एक को हमने कहा कैपिटलिस्ट सेक्टर अब जो आपके पास कैपिटलिस्ट सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे जो भी टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी दैट टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी डिवाइडेड बिटवीन बिटवीन दम ऑफ पेमेंट टू द लेबर इन दम ऑफ वेजेस एंड कैपिटलिस्ट सरप्लस और यह जो कैपिटलिस्ट सरप्लस होगा दैट कैपिटलिस्ट सरप्लस इज आई री इन्वेस्टेड और जब यह री इन्वेस्ट किया जाएगा इट रिजल्ट इन ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटर कैपिटल फॉर्मेशन देयर इज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और आपकी मार्जिन प्रोडक्ट कर्फ भी क्या होगी

वन कर्व है एट रिपोर्ट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और डब्ल्यू एस जो हॉरिजेंटल लाइन है एट रिपोर्ट दैट लाइ इन दबसिस्टेंस सेक्टर और एक और जो बात हमने कही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हाई देस इन दबसिस्टेंट सेक्टर तो यहां पर मेरे पास वेजेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होंगी उसको हम रिपोर्ट करें वे डब्ल्यू आई क्या जी वेजेज इंडस्ट्रियल सेक्टर इज हायर देन दिन सबसिस्टेंट सेक्टर और कितने आप यूनिट्स ऑफ लेबर इंप्लॉय करोगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे इंडस्ट्रियल वेजेस को इंटरसेक्ट करता है और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है अगेंस्ट एन वन अगेंस्ट एन वन पॉइंट और इस एन वन पॉइंट के अगेंस्ट यूनिट ऑफ लेबर कितने यूज किए जाएंगे कि एक्स वन यूनिट ऑफ लेबर विल बी यूज मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ X1 unit of labor is equal to industrial wages. or the total output produced by using this quantity of labor, we can denote it with OM1N1X1. area I report? OM1N1X1. It reports the total product that is produced in the industrial sector. और ये जो टोटल प्रोडक्ट है इट विल बी डिवाइडेड इनटू कैपिटलिस्ट सरप्लस एंड वेजेस दैट इज पेड टू द लेबर और यहां पे जो मेरे पास एरिया बनेगा फ्रॉम द रेक्टेंगल ओ डब्ल्यू आई एन वन एक्स वन इट वेजेस दैट द लेबर विल गेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो जो मेरे पास अपर पार्ट होगा एम वन एन वन डब्ल्यू आई इट रिपोर्ट्स द कैपिटलिस्ट सरप्लस अब अगर कैपिटलिस्ट इस सरप्लस को रिइनवेस्ट करेगा और हमारी है देयर इज सर स्टिल सरप्लस लेबर इन दबसिस्टेंट सेक्टर सो देर इज नो इनक्रीज इन द इंडस्ट्रील वेजेस तो जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व होगी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इट विल शिफ्ट आउटवर्ड क्या अब ये जो मेरे पास एम टू पी टू इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व दैट वी दैट द इंडस्ट्री विल ऑब्जर्व फ्टर द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सरप्लस और यहां पर आपके पास लेबर अब ये जो न्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर रहे हैं इंटरसे इंडस्ट्रियल वेजेस एट एंड टू और जो लेबर यूज की जाएगी वो यहां पर होगी ओ एक्स टू क्वान्टिटी और ये जो इंक्रीजिंग लेबर आया फ्रॉम एक्स वन टू तो एक्स टू दैट इज बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट इन दैपिटलिस्ट सरप्लस और अगेन यहाँ पे जो टोटल आउटपुट होगा वो मेरे पास होगा अगेंस्ट द न्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर टोटल प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और इस टोटल प्रोडक्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन इनटू वेजेस एंड कैपिटलिस्ट सरप्लस और इस केस में जो आपके पास वेजेस होंगी वो बनेगी ओ डब्ल्यू आई एन टू एक्स टू ये जो रिक्टेंगल बन रही है ओ डब्ल्यू आई एन टू एक्स टू दिस इज द शेयर इन द टोटल प्रोडक्ट दैट विल ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर टूवर्ड्स द लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और इस केस में आपके पास सरप्लस क्या हो जाएगा कैपिटलिस्ट सरप्लस इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू आई एन टू एम टू बिकॉज ऑफ फ्री इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो देयर इज इंक्रीज इन कैपिटलिस्ट सरप्लस और ये जो आपके ये ये री इन्वेस्टमेंट किस चीज पर डिपेंड करेगी इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रॉफिट दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट इज गेटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर अब जो अकॉर्डिंग टू लिविज क्या था क्या द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन द नेशनल इकोनॉमी विल राइज बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा इट इन देशनल इकोनॉमी राइज एंड जो शेयर इन प्रॉफिट राइज हो रहा है इन द नेशनल इनकम नेशनल इकोनॉमी इसमें जो फर्स्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन दैपिटलिस्ट सेक्टर इनिशियली क्या होगा देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर और सेकेंडली यहां पर क्या होगा कि वेन कैपिटल सेक्टर विल एक्सपैंड विथ रेफरेंस विल एक्सपैंड इन द इकोनॉमी क्या जी कैपिटल सेक्टर रिलेटिव टू नेशनल इनकम जो आपके शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन नेशनल इकोनॉमी होगा इट कैन बी इट कैन बी डिडेड एक प्रॉफिट्स इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर और दूसरा शेयर ऑफ द कैपिटल सेक्टर इन द नेशनल इनकम अगर इन दोनों में से किसी में एक में भी इंक्रीज आएगी तो आपके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इन नेशनल इकोनोमी इट विल इंक्रीज और ये एक सेल्फ सस्टेन प्रोसेस है कि कि ये ये सेल्फ जनरेटिंग प्रोसेस है एज एज लॉन्ग इज सरप्लस इन लेबर आपके पास प्रोसेस कंटिन्यू करे कंटिन्यू रहेगा लेकिन ये जो प्रोसेस हमने के जी लिवर्स ने जिसको आउटलाइन किया था इट विल एंड कब इफ देर इज नो सरप्लस सरप्लस लेबर इन दबसिस्टेंस सेक्टर टू अब्सोर्व जी, जी जब सेक्टर में सरप्लस लेबर नहीं होगा ये जो प्रोसेस हमने कहा कि जी आपके पास देयर री इन्वेस्टमेंट इन दैपिटल कैपिटलिस्ट सरप्लस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जनरेट मोर प्रॉफिट वो आप कह लें प्रोसेस रुक जाएगा क्यों यहां द इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होगी इट विल बी लेस देन परफेक्टली लास्ट अभी सप्लाई ऑफ लेबर क्या थी When there is surplus labor, supply of labor is perfectly elastic. But when all surplus labor will, is absorbed in the industrial sector, to then this supply of labor will become a positively sloped.